हाँ सर, क्या बना रहे हैं आप? ये मूली की थिचड़ी बन रही है। वाओ। और मूली को इसको खींचा जाता है, इसको थ्रेश किया जाता है। थ्रेश किया जाता है। हाँ। गढ़वाली डिश है ना? गढ़वाली डिश है। तो इसको सिलबट्टे में इसको खींचा जाता है। आपने इसको सिलबट्टे में खींचा है? हाँ, सिलबट्टे में खींचा है। मतलब कोई मशीन वशीन, वो मिक्सी विक्सी, वो सब ड्रामा नहीं है, लाइक ओरिजिनल स्टाइल। ओरिजिनल है। दिखाइए। अच्छा, दिस इज व्हाट यू मीन बाय सिलबट्टा? मैंने सुना बहुत है गढ़वालियों से ना सिलबट्टे के बारे में, बट मैं पहली बार दर्शन। अच्छा, इसके ऊपर उसको रखकर काट के नहीं करना, उसको पूरे मूली को रखकर टक टक टक। अच्छा, तो उसको थिचुल करना उसको कहा जाता है? उसको कहा जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद थोड़े से पोटैटो लेने हैं। हाँ जी, कम क्वांटिटी में। हाँ जी, उसको भी खींच करके, मतलब वही फ्रेश करके। अच्छा, उसको इसमें डालना है। तो क्या मतलब कि आपने बना दिया? एक्चुअली मैंने मिस कर दिया, आपने जो पूरा प्रोसीजर किया है थोड़ा बताओगे मेरे को कि आपने कैसे बनाया है? पहले तो मूली को खींचा आपने, खींचा हाँ, और आलू को खींचा हाँ, दोनों को सेपरेट रखा। हाँ जी। फिर उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल डाल के बाद हीट अप हो जाए। हाँ जी। तो उसमें जीरे का छौंका लगाया और उसके बाद हमने पहले से टोमेटो प्यूरी, मतलब उसको ग्रेट करके हाँ जी रखा हुआ था हाँ, और उसमें थोड़ा चिली और लहसुन का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था और फिर उसमें हमने मसाले ऐड कर दिए थे। प्याज नहीं डाला आपने? नहीं, प्याज नहीं डाला। तो उसमें जब तेल गरम हो गया, हाँ जी, तेल गरम होने के बाद जीरे का छौंका लगाया। हाँ जी। जीरा छौंका लगने के बाद उसको हमने ये पहले पोटैटो को थोड़ा सा फ्राई किया, फ्राई होने दिया, फिर हमने उसको टमाटो प्यूरी और जो हमारा बना रखा था उसको साथ उसको थोड़ा सा हमने उसको पकने दिया। अच्छा। तेल छोड़ दिया, फिर हमने इसको करते जो मूली है खींची हुई थी उसको डाला, उसको बना थोड़ा पानी डालकर उसको थोड़ी देर के लिए फिर उसको चलाया। जब बॉयल होने लग जाए तो थोड़ा सा उसको 10-15 मिनट जो है बहुत ज्यादा नहीं, वो क्या कहते हैं, गले हो। अच्छा। तो उसको अच्छा थोड़ा सख्त होना चाहिए खाने में, क्रंची रखते हैं रहने के लिए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो उसका थोड़ा टेस्ट चला जाता है। अच्छा। तो अच्छा, उसको कम हीट में पका कर। अच्छा, ऐसे तो इसको फिर कैसे गढ़वाल में, इसको आप पौड़ी गढ़वाल से हैं शायद, है ना? हाँ जी। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल से हैं आप, तो इसको चावल के साथ, भात के साथ खाया जाता है इसको? अच्छा, अच्छा। और ऐसे ही बनाते हैं गढ़वाल में आपके यहाँ, आपका जो गाँव है उसमें? अच्छा अच्छा, ऊपर से इसमें धनिया थोड़ा सा। ओहो, गार्निश कोरिएंडर। हाँ जी, अच्छा, ब्यूटीफुल। गांव किस तरफ पड़ता है आपका? हमारा गांव जो है मजारसी और टोलू। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा बहुत देखिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये मतलब गढ़वाल में जैसे आप ग्रो अप हुए हैं आप, तो उसमें जैसे आप बनाते हैं ऐसे पतीले में बनाया जाता है वहाँ पे भी ओपन, और उसमें कैसे वहाँ तो किस तरह बनाते हैं? बड़ी कढ़ाई में बनाते हैं। बड़ी कढ़ाई में? अच्छा अच्छा, कढ़ाई में बनता है ज्यादातर वहाँ। चूल्हे में और या गैस में? आजकल तो गैस हो गया सब जगह। हाँ जी, पहले चूल्हे में ही बनता था। हाँ जी, लेकिन आजकल तो सब जगह गैस हो गई है। हाँ जी, गैस का प्रयोग कर रहे हैं सब, लेकिन हम जब जाते हैं तो हम चूल्हे का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा, आज भी अगर आप अपने गांव जाते हैं वापस तो आप चूल्हे में बनाना वो प्रेफर करते हैं? बड़ा अच्छा लगता, आनंद आता। हाँ, आनंद आता है। पुराने दिनों की मम्मी के साथ के खाने की याद आती है। हाँ, उसकी तो बात ही कुछ और है। सही बात। तो जो चूल्हे का टेस्ट है, मतलब हमारे यहाँ भी ऐसे बोलते हैं कि चूल्हे का जो टेस्ट है वो दूसरा, नॉर्मल गैस में नहीं आता वो चीज, आप भी मानते हो? बर्तनों का भी तो फर्क है ना? अच्छा, क्या फर्क है मतलब? आजकल हम एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं। हाँ जी, पहले जो है वो आयरन है या टिकूट के होते थे। टिकूट ये क्या कहते हैं, कांसे के होते थे। अच्छा, तो उनमें ज्यादा, इसीलिए तो आजकल रोग भी ज्यादा हो रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि एल्युमिनियम में तो बहुत सारे रोग है। हाँ जी, एल्युमिनियम के बर्तन होंगे, आयरन हो तो आयरन, तो वो भारी होते होंगे बर्तन ज्यादा। वहाँ का तो पानी अच्छा होता है, पानी हाँ, पानी में टेस्ट तो सही बात। ऐसे हाँ, थोड़ा पोल्यूटेड वाटर है, तो वहाँ का तो वैसे ही बहुत बढ़िया आबोहवा भी बिल्कुल बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, तो आप गढ़वाली भी बोलना जानते होंगे मतलब वहाँ से? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है।
मुझे समझ में आ जाती है एक्चुअली, मैं बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि पेरेंट्स घर में हिंदी में ही बात करते थे, तो मगर समझ में आ जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। तब बोलने की कोशिश करो, थोड़ा बोलने की कोशिश करो, आप जरूर सीख जाए। अरे थोड़ा बोला करा, नहीं तो हम वोकैबुलरी भेज देंगे आपको गढ़वाली वोकैबुलरी। वेरी गुड, क्या बात, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना हमें बताया, आपने इसमें हमें शामिल किया अपनी डिनर पार्टी में, थैंक यू सो मच। रियली, तो कैसे गढ़वाली में कैसे बोलेंगे ये? और आवा और खावा, अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मौजुड़ावा, अच्छा थैंक यू।